आदाब नाजरीन, INET टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी ने हैदराबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर पार्लियामानी हलके सिकंदराबाद से मुस्लिम लीग पार्टी के टिकट पर अपना परचय नामजदगी दाखिल किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मुस्लिम लीग की तरफ से पार्लियामानी सिकंदराबाद से हमने मोहम्मद नसीरुद्दीन खादरी को, जो जर्नलिस्ट भी है, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया हमारी पार्टी की जानिब से। वो आज हम आपसे नामजदगी दाखिल किए हैं। उम्मीद की है इंशाल्लाह वो बहुत अच्छी तरीके से मुकाबला करेंगे और किसी के हक में दर्दबरदार भी नहीं होंगे। क्योंकि मुसलमानों में, क्योंकि एक नई सियासी जमात जो मुस्लिम है और हल्के में कोई दूसरी जमात नहीं ठहरी रही, इसलिए हमने सिकंदराबाद का इंतखाब किया। नसीरुद्दीन खादरी उसके लिए उम्मीदवार है और अभी उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अली जनाब अब्दुल सत्तार मुजाहिद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिलियत समझा कि हल्के पार्लियामेंट सिकंदराबाद के लिए उम्मीदवार का अपना टिकट दिया। मैं सबसे पहले पार्टी के तमाम अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक सहाफ़ी से सियासत में कदम रखने का, एक मिल्लत इस्लामिया के खिदमत करने का मौका फराहम किया है। मैं इसी उम्मीद से अवाम से ये अपील करता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के वोट दें ताकि हम अपनी पार्लियामान में मुसलमानों की जो भी नुमाइंदगी है उसको आवाज़ उठा सकें। और इससे कबल भी मैंने हल्के असम्बली सनतनगर से बहसत रुकने असम्बली की हैसियत से काम किया था और इस वक्त मौका मिला है मुझे, तो मैं पार्लियामेंट के लिए अगर आवाम से यही तयखुन रखता हूं कि वो मुझे भारी अक्सर से वोट देकर इसी तरह से कामयाब बने। और मैं तमाम मीडिया का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने मेरे इस न्यूज़ को आवाम तक पहुंचाने के लिए एक कदम उठाया। जज़ाकअल्लाह। जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।